अरुण गांधी विचार पदयात्रा परशबानी से शुरू होकर मेघा होते हुए अरौंध पहुंची, जहां पर पदयात्रा का समापन हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सिहावा विधायक और आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉ. लक्ष्मी ध्रुव ने कहा है कि महात्मा गांधी के आदर्श चरित्र को अपनाकर देश को सही दिशा में ले जाया जा सकता है। उन्होंने लोगों से बापू द्वारा बताए गए सत्य अहिंसा को आत्मसात करने की अपील की। गांधी विचार पदयात्रा इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। के साथ सहिष्णुता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए और इसीलिए बापू के सपनों को पूरा करने के लिए जब संविधान बना तो भारत को पंथ निरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया और उसी नीति के आधार पर भारत जो है चल रहा है। विजयपुर में